लगाने के लिए जरूरी है कि पुलिस प्रशासन कड़ाई से पेश आए। कहावत है कि भय बिनु होई न प्रीति, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि अपराधी के साथ पुलिस का दोस्ताना व्यवहार रहता है, जबकि निर्दोषों को अपराधी बनाया जाता है, जिसके चलते बीच बीच में पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का आक्रोश भी देखा गया है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर अपराध रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसका जीता जाता उदाहरण यह है कि 8 माह में 25 NSA की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्यवाही के साथ साथ 110 जिला बदर की कार्यवाही उन अपराधियों के खिलाफ की जाती है, जिनसे समाज को यह खतरा बना रहता है कि इसके द्वारा कभी भी किसी भी बड़े अपराध को अंजाम दिया जा सकता है और आम जन इनसे भयभीत रहता है। की गई कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि अपराध मुक्त समाज बनाया जाए, जिसके लिए जरूरी है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसकी प्रशंसा भी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। कार्रवाई हुई है 2020 से लेकर अभी तक में सर्वाधिक कार्रवाई की गई, क्या उद्देश्य था? सामान्यतः जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है उनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके ऊपर 110 CRPC में कार्रवाई करते हैं, परंतु जब देखा जाता है कि उनके अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उनके कृत्य ऐसे हैं जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले हैं और समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के प्रति पुलिस और प्रशासन पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके इस वर्ष हमने अभी तक 8 महीने में 25 NSA कार्रवाई की है। ये वे अपराधी हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनकी कार्रवाइयों के पश्चात में इसको जनता ने भी सराहा है, मीडिया ने भी सराहा है और आपराधिक गतिविधियों पर इनकी अंकुश लगाने में काफी सहायता हमको मिली है।